दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने को बताने वाला हूँ कि अगर आप जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं और अपनी जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो या अपनी पसंद का कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जीबी व्हाट्सएप को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, प्लेन बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी होम स्क्रीन पर अपनी पसंद का फोटो या अपना फोटो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जीबी व्हाट्सएप पर अपनी पसंद का वॉलपेपर या अपना फोटो किस तरह से ऐड किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जीबी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी जीबी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। जीबी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली थ्री डॉट पर चले जाना है। अब थ्री डॉट पर जाएंगे तो यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि जीबी सेटिंग, मैसेज शेड्यूलर, ऑटो रिप्लाई, रिस्टार्ट व्हाट्सएप वगैरह और भी काफी सारे ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको जो फर्स्ट नंबर पर जीबी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने फिर से काफी सारे ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूनिवर्सल के नाम से, आपको सिंपली इस यूनिवर्सल वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने फिर से काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि कलर, स्टाइल, हाइड मीडिया वगैरह। तो आपको जो सबसे फर्स्ट में कलर्स का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली कलर्स को ओपन करना है। कलर्स को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको फिर से कलर से रिलेटेड काफी सारी सेटिंग देखने को मिलती है। लेकिन आपको जो तीसरे नंबर पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पर अगर आप अपने होम स्क्रीन पर सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं सॉलिड कलर भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, और अगर अपनी पसंद का फोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको कलर लगाना है तो चलिए फिर सबसे पहले मैं कलर की सेटिंग बता देता हूं। सॉलिड कलर पर टैप करेंगे और यहां से जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहां से आपको न्यू कलर पर टैप कर देना है। और इसके बाद चलिए मैं आपको बैक लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे WhatsApp की होम स्क्रीन पर एक कलर ऐड हो चुका है। चलिए फिर से उसी ऑप्शन में चलते हैं, चलिए यूनिवर्सल को ओपन कर लेते हैं, कलर में चलते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ से सॉलिड कलर, इसके अलावा ग्रेडियंट कलर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लगाना अपनी पसंद का फोटो या अपना खुद का फोटो, तो उसको किस तरह से लगाएंगे तो तीसरे नंबर पर आपको जो फोटो का ऑप्शन मिलता है आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करेंगे यहाँ से आपको गैलरी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना जिसे कि आप अपनी होम स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपनी गैलरी से किसी एक फोटो को आपको ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए जैसे कि मैं इस वाले फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से हमारे सामने फोटो ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको सेट वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सिंपली सेट वॉलपेपर पे एक बार टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपका फोटो आपकी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। चलिए मैं आपको बैक लेके अपनी होम स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने बैक लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर हमारी पसंद का फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर अपना या अपनी पसंद का कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।